नमस्ते फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको स्वामी रामानंद तीर्थ जी के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो स्वामी रामानंद तीर्थ जी का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को हुआ। वो एक हिंदू धार्मिक नेता थे जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग से व्यवहारिक वेदांतों के पढ़ने के लिए विख्यात थे। रामानंद तीर्थ जी की जागती मूर्ति थे। उनका मूल नाम तीरथ राम था। वह मनुष्य रूपी दैवी रूप के वर्णन के लिए सामान्य अनुभव का प्रयोग करते थे। स्वामी रामानंद तीर्थ जी के लिए हर वस्तु ईश्वर का प्रतिबिंब थी। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने एक महान समाज सुधारक, एक ओजस्वी वक्ता, एक श्रेष्ठ लेखक, एक तेजोमय सन्यासी और एक उच्च राष्ट्रवादी जी का उन्होंने दर्जा पाया। स्वामी रामानंद तीर्थ जी ने उन्होंने अपने जीवन में असाधारण कार्यों से पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजाया। मात्र 32 की वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, लेकिन इस अल्प आयु में उन्होंने उनके खाते में जुड़ी अनेक असाधारण उपलब्धियां यह दर्शाती है कि अनुकरणीय जीवन जीने के लिए लंबी आयु नहीं उच्ची इच्छा शक्ति आवश्यक होनी चाहिए। उनका जीवन परिचय। स्वामी रामानंद तीर्थ जी का जन्म पाकिस्तान के प्रांत में गुजरालवाला जिले में हुआ। इनके जन्म लेते ही उनकी कुछ ही दिनों में उनकी माता का निधन हो गया। रामानंद तीर्थ जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी उम्र के बालक जब गुड्डी गुड़ियों का खेल खेलते थे, तब वो उम्र में रामानंद तीर्थ जी का समय अपने गुड़ विचारों पर चिंतन मनन में गुजरता था। पढ़ाई लिखाई में वो प्रखर होने के कारण रामानंद तीर्थ जी ने अपने गणित में बहुत बड़ी उपाधि धारण की और लाहौर में एक गणित के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया। वर्ष 1897 उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था, जब लाहौर में एक कार्यक्रम में उन्हें स्वामी विवेकानंद जी का उन्होंने भाषण सुना उनको भाषण सुनने का मौका मिला। तब स्वामी जी के ओजपूर्व विचारों को सुनकर रामानंद तीर्थ जी के मन में देश और समाज के लिए कुछ करने का भावना उत्पन्न हुई। इसी भावना के चलते वे प्रोफेसर रामानंद तीर्थ स्वामी बन गए। अब स्वामी रामानंद तीर्थ जी का एक ही लक्ष्य था, समाज को जागरूक करना, हिंदुत्व के बारे में लोगों को समझाना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। यह 19वीं शताब्दी का समय था जब देश खासकर युवा शक्ति के ओजस्वी विचारों और राष्ट्रवादी भाषणों का दीवाना बन रहा था। उनके खोज पौरलिक और होकर विचारों ने युवा वर्गों को काफ़ी प्रभावित किया। श्री कृष्ण और अद्वैत वेदांत पर लिखे उनके निबंधों ने देश में एक नई वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। ये स्वामी रामानंद तीर्थ जी की अद्भुत भाषा शैली और मौखिक विचारों का ही प्रभाव था कि भारत में ही विदेशियों में भी उनकी वाणी को लोग प्रशंसक बने। वे जापान में विशेष रूप से बंधुत्व हिंदुत्व के बारे में समझाने के लिए गए। 94 में जब वे अमेरिका से भारत वापस आए तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका प्रशिक्षक बन चुका था। लेकिन जिज्ञासु स्वामी रामानंद तीर्थ जी के ज्ञान प्राप्त करने की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई थी। स्वामी रामानंद तीर्थ जी सांसारिक जीवन को छोड़कर जीवन संदेश का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर हिमालय की कदरियों में चले गए। या उन्होंने व्यवहारिक वेदांत दर्शन पर उन्होंने एक किताब लिखना आरंभ किया। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, धर्म और समाज के अनसुझने रहस्यों को शब्द रूप देने का प्रयास किया, मगर अफसोस उनका यह प्रयास पूरा नहीं हो पाया। 17 अक्टूबर 1996 को दिवाली के पावन दिन पर हिमालय क्षेत्र में गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे तो गंगा में डूबने से उनकी मौत हो गई। उनके अनुयायी मानते हैं कि गंगा में वे डूबे नहीं थे, अभी तो गंगा मैया ने उनके अपने इस लड़के और भारत के गौरव को अपने स्नेहमय आगोश में ले लिया था। स्वामी जी हिंदी के समर्थक थे।
और देश की स्वतंत्रता के स्वप्न देखा करते थे। वे कहा करते थे कि राष्ट्र के धर्म को निजी धर्म से ऊंचा स्थान दो, देश के भूखों नागरिकों नारायणों और मेहनत करने वालों को विष्णु की पूजा करो। स्वामी जी ने जापान और अमेरिका की यात्रा की और सर्वत्र लोगों को विचारों के और आकर्षित हुए। वे स्वामी विवेकानंद जी के समकालीन थे और दोनों में संपर्क भी था। स्वामी जी ने व्यक्ति की निजी मुक्ति के शुरू होकर पूरी मानव जाति के पूर्ण मुक्ति का विकल्प किया, जिस आनंद के साथ वह वेदांत की परंपरा शिक्षा का प्रचार करते थे। उनका अनोखापन था। अक्सर वह धार्मिक प्रश्नों पर जवाब दीर्घ हंसी के साथ देते थे। अपने आध्यात्मिक ज्ञानों को साथ साथ वह पश्चिमी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक को भारत में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान और साधन भी मानते थे। उन्होंने जब शिक्षा के हर रूप का भरपूर समर्थन किया। अच्छा लगा तो लाइक करो, आपके फ्रेंड में शेयर करो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।